Hello everyone. Today I am here to explain about the KBS exam for PRT, TGT and PGT level since Northeast vacancies are out. तो उसी के बारे में हम बात करेंगे अभी आज. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम भूमिका जैन है. मेरी अभी KVS में पोस्टिंग हो गई है एज अ PRT. आई हैव जॉइंड ऑन 13th of October 2017 इन ONGC कॉलोनी अंकलेश्वर गुजरात. और यहाँ पे अब आज मैं आई हूँ वापस फिलहाल अभी फेस्टिव सीजन के लिए. देन आई बी गोइंग बैक एंड जॉइनिंग अगेन देयर. नाउ आई गॉट 82.597 स्कोर इन KVS एग्ज़ाम अभी जो PRT का रिजल्ट आया है उसमें. और रैंक मेरी आप कह सकते हैं 21st थी क्योंकि 20 ही लोग थे मेरे आगे जिनका स्कोर मेरे से ज़्यादा था. एंड आई हैव ऑलरेडी टॉप्ड इन अहमदाबाद रीजन. नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट माय स्टडीज, इट इज़ लाइक आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम कॉमर्स विद मैथ्स. आई हैव डन माय स्कूलिंग एंड देन आई वेंट फॉर BBA. आई वॉज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट. उसके बाद आई वेंट फॉर डाइट क्योंकि BBA में मुझे लगा नहीं दैट्स माई पैशन और समथिंग लाइक दैट. उसके बाद डाइट किया डिप्लोमा. इट वॉज फॉर कम्प्लीट टीचिंग प्रोसेस. टीचिंग डिप्लोमा था 2 ईयर्स का. बहुत ज़्यादा उसमें हम लोगों को अच्छे से बताया गया कि किस तरह से बच्चों के साथ डीलिंग किया जाता है. हमारी थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल चीज़ों पे वर्कआउट किया गया. देन आफ्टर 2 ईयर्स आई वर्कड इन अ सर्वोदय स्कूल फॉर 4 मंथ्स एज अ गेस्ट टीचर. देन आई वर्कड इन MCD एज अ गेस्ट टीचर कॉन्ट्रैक्ट टीचर फॉर अगेन अनदर 5-6 मंथ्स. देन आई वर्कड इन अ जुवेनाइल होम. दैट वॉज टू ब्रिंग द स्टूडेंट्स हु आर नॉट ऑफ डेली लाइफ, हु आर नॉट इन नॉट एक्सेप्टिंग देयर लाइफ एक्चुअली, और ऑर्फन्स और दोज हु हैव कमिटेड सम crying or something like that, juvenile people, juvenile children. I had to bring them to the mainstream. Then when we talk about, this was my, then I worked in a Telugu school, that was Andhra Education Society school, for complete 1.5 years. And for itne sare jagah pe kaam kiya to bahut zyada experience aaya. Then 10th standard se I was into tuitions. 10th standard ke baad maine tuitions padhana start kiya tha. So I started teaching students of class 1 to 8, any student of any subject. To padhate padhate itni knowledge aa gayi ki अभी जो KVS का एग्ज़ाम था वो मुझे कुछ लगा ही नहीं कि वो इतना डिफिकल्ट था या क्या था. इट वॉज़ अ केक वॉक फॉर मी. देन व्हेन आई टॉक अबाउट द पेपर दिस टाइम विच वॉज कंडक्टेड ऑन 7th of January 2017, इट वॉज वेरी मच ईजी अकॉर्डिंग टू मी. मे बी नॉट अकॉर्डिंग टू यू बट मे बी इट्स वेरी ईजी अकॉर्डिंग टू मी. बट मैं ऐसा क्यों बोलूँगी क्योंकि उसमें व्हेन वी टॉक अबाउट द पैटर्न में इसके 5 चीज़ें आती हैं. फर्स्ट आ जाता है आपका इंग्लिश, देन हिंदी आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, मैथ्स आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, देन आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी आ जाता है. ये टीचिंग मेथोडोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. आप लोग CTET में पढ़ते होंगे, CTET के लिए पढ़ते हैं CDP, वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, जहाँ पे आप चाइल्ड के बारे में पढ़ते हैं, उसके डेवलपमेंट के बारे में. पेडागॉजी इज़ अ आर्ट ऑफ टीचिंग, उसके बारे में पढ़ते हैं. बट KVS में दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है जहाँ पे आप TM जिसको कहते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी या टीचिंग एप्टीट्यूड. इसमें बेसिकली आपको फोकस क्या करना होता है कि आपकी टीचिंग कॉम्पिटेंस कितनी है, आप किसी भी सिचुएशन में किस तरह से आप हैंडल कर सकोगे स्टूडेंट्स को, आप क्या टीचिंग मेथड अपनाओगे किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए. यहाँ पे फोकस वो रहता है, ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट पे. दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं. थ्योरीज ऑब्वियसली आपको दोनों जगह पढ़नी पड़ेंगी, बट कहीं ना कहीं अप्रोच अलग हो जाती है. सो मैं पहले शुरू करूँगी पैटर्न के साथ कि आपका पैटर्न क्या रहेगा KVS में. KVS में फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 3 आ जाते हैं लेवल्स. फर्स्ट लेवल आएगा PRT का, दैट इज़ प्राइमरी टीचर. देन TGT, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर. एंड देन थर्ड आता है आपका PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर. प्राइमरी और TGT, PRT और TGT का जो पैटर्न रहता है वो सेम रहता है. लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि आपके पढ़ाने के टाइम पे लेवल्स अलग होते हैं, तो डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस आप कह सकते हैं थोड़ा सा अलग हो जाएगा. फर्स्ट आपका आ जाता है जैसे PRT एंड TGT में आपके 5 सेक्शंस रहते हैं. लास्ट टाइम तक इसका थोड़ा पैटर्न अलग था, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी. फर्स्ट आ जाता है आपका इंग्लिश 15 मार्क्स का. देन आपका सेकेंड सेक्शन आता है हिंदी 15 मार्क्स का. थर्ड आपका आता है करंट अफेयर्स, दैट इज़ अ 40 मार्क्स. फोर्थ आता है आपका रीजनिंग विच इंक्लूड्स न्यूमेरिकल एबिलिटी एज वेल, दैट इज़ ऑल्सो 40 मार्क्स. एंड फिफ्थ आता है आपका टीचिंग मेथडोलॉजी विच इज़ अगेन ऑफ 40 मार्क्स. कंबाइन होकर 150 मार्क्स का हो जाता है. अभी जो पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस आया है KVS के केंद्रीय विद्यालय में कि ये जो टोटल 15+15 एंड 3×40 कंबाइंस आउट टू बी 150. अभी जो मेरिट बनता है वो 150 में से बनता है. इससे पहले जब एग्ज़ाम हुआ था 4th of October 2015 को, तब तक इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग था. इसमें इंग्लिश और हिंदी को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता था और मेरिट जो आपकी बनती थी वो बाकी के 120 में से बनती थी, जो कि करंट अफेयर्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है. तो उसमें क्वालिफाइंग नेचर में क्या था कि आपको इंग्लिश में 4 मार्क्स मिनिमम कंबाइंड आपको लाने चाहिए, हिंदी में आपको मिनिमम 4 मार्क्स लाने चाहिए, और कंबाइंड आपके इंग्लिश और हिंदी में 10 मार्क्स होने चाहिए. अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है उस 30 मार्क्स में से, 15 इंग्लिश 15 हिंदी, उसमें से आपके कंबाइंड 10 आ जाते हैं, 4 इन ईच सेक्शन होना चाहिए एटलीस्ट. अगर वो आ जाता है तो उसके बाद ही आपका आगे का एग्जाम आप कह सकते हैं कंसिडर होगा, क्योंकि 120 में से मेरिट तभी बनेगा अगर आप उसको क्वालिफाई करेंगे सेक्शन ए को. अभी जो डिफरेंस आया है इसमें क्या है, इंग्लिश एंड हिंदी भी कंबाइन हो गया और अब आपकी मेरिट जो बनती है, कट ऑफ जो आती है वो 150 में से आती है.
तो इस बार आपको फोकस करना होगा पांचों के पांचों सेक्शंस पे. पहले जो डिफरेंस आ जाता था अप्रोचेस में वो ये आता था कि लोग इंग्लिश और हिंदी पे इतना फोकस नहीं करते थे, 4 मार्क्स ही अपना एम करते थे या 5 मार्क्स ही एम करते थे कि चलो इतना तो आ ही जाएगा और उसके बाद आगे बढ़ लेंगे. लेकिन अभी जब वो कंबाइन आपका हो गया है और आपका मेरिट पूरा उसमें से बनेगा, तो आपको इंग्लिश और हिंदी पे भी पूरा का पूरा फोकस करना और कोशिश करने के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप उसमें भी अटेन कर सकें. तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. फर्स्ट सेक्शन आपका आ जाता है इंग्लिश. इंग्लिश इज ऑफ 15 मार्क्स. इसमें आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो ग्रामर पे रहना चाहिए. और ग्रामर भी ऐसी नहीं कि बहुत हाई फाई आप SSC लेवल का या बहुत हाई फाई लेवल का पढ़ रहे हो, नहीं. आप यहाँ पे एक टीचिंग लेवल की, स्कूल लेवल की बात करो तो स्कूल लेवल से ऊपर जाना ही नहीं है, उससे ज़्यादा आता भी नहीं है. आपको बेसिकली 8th या 10th तक की इंग्लिश आप मेंटेन करिए. ग्रामर तो खैर ग्रामर में कोई लेवल ही नहीं होता कि फर्स्ट क्लास का है या सेकंड स्टैंडर्ड का है. आपको सिंपल ग्रामर आनी चाहिए जिसमें आपका वर्ब्स, नाउंस, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशंस, एडजेक्टिव्स ये सब इंक्लूड हो जाएगा. साथ में आपका आता है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका. वोकैबुलरी में आपके सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे. देन आपका आ जाता है इसमें स्पेलिंग्स का, कि स्पेलिंग्स कौन से. आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि कौन सी स्पेलिंग सही है. तो स्पेलिंग्स भी बहुत सिंपल वर्ड्स की आती है. जैसे इस बार 2 वर्ड्स आए थे, मैथमेटिक्स एंड लेफ्टिनेंट. तो ये बहुत ईजी वर्ड्स हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे स्पेलिंग्स पे तो आप इनको क्रैक कर सकते हैं. नेक्स्ट आपके वर्ड्स आ जाते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं ईडियम्स बेस्ड, कि ईडियम आपका एक सेंटेंस में यूज़ करके दिया और इसका जो अल्टरनेटिव आप मीनिंग निकाल सकते हो, उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है जिसको आप सेलेक्ट करेंगे. तो 15 मार्क्स इस तरह से डिवाइडेड होता है कि आपको 2-3 मार्क्स ग्रामर आ जाएगा, 2 मार्क्स का सिनोनिम आ जाएगा, 2 मार्क्स का एंटोनिम आ जाएगा, देन आपका 2 मार्क्स का आपका फाइंड द एरर आ जाएगा. आपका एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है या गलत है, वो ग्रामेटिकली सही फॉर्म नहीं हुआ है, उसको आपको फाइंड आउट करना होता है. 2 मार्क्स की आपकी स्पेलिंग्स का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें आपको स्पेलिंग सही बताना है. 2-3 मार्क्स का आपका ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स के ऊपर आ जाएगा. 2 मार्क्स का आपका एक तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए होते हैं या सेंटेंस दिया होता है और उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको 1 वर्ड बताना होता है कि 1 वर्ड जो है जो उस सेंटेंस पे या उस मीनिंग पे सबसे ज़्यादा सूट करेगा. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन पेपर में से ही बता सकती हूँ. जैसे फर्स्ट आया था कि ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट, तो इसके 4 ऑप्शन थे, सेंटिनरी, सेकेंड एनिवर्सरी, 3rd जुबली, 4th बर्थडे. तो ये ऑप्शंस भी बहुत ईजी थे और क्वेश्चन भी बहुत ईजी है कि ईयरली सेलिब्रेशन आप किस चीज़ का करते हो. ये हम डेली लाइफ में अपना देखते हैं तो ऑब्वियसली इट इज एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गया, तो आंसर वॉज एनिवर्सरी. सेंटिनरी पे जाने की जरूरत नहीं है, जुबिली पे जाने की जरूरत नहीं है, और बर्थडे तो फिर कोई भी इवेंट नहीं है ना, यहाँ पर सारे इवेंट की बात की गई है, तो एनिवर्सरी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह सकते हैं स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ्स, कॉस्मेटिक्स एसेट्रा. तो इसमें आपके 4 ऑप्शंस हैं, बूथ, बुटीक, स्टॉल या स्टोर. अब ऑब्वियसली बूथ नहीं होगा, बुटीक येस इट कैन बी बुटीक, स्टॉल किसी भी चीज़ का हो सकता है, देन स्टोर तो ग्रॉसरी स्टोर भी हो सकता है, तो आंसर वॉज बुटीक. तो इस तरह के 2 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में आएंगे. अब इंग्लिश के लिए मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप कहाँ से प्रिपेयर करें. एक्चुअली ग्रामर जिसकी थोड़ी सी वीक है या कुछ भी है उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, क्लास 4 क्लास 5 की ग्रामर की बुक्स उठाएं, एक बेसिक आप कॉन्सेप्ट उसका गेन करिए, उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करिए, देन 6th 7th 8th की बुक्स उठाइए, उन पर और ज़्यादा फिर एक्सटेंडेड लर्निंग करिए और इस तरह से आपकी ग्रामर ठीक हो जाएगी. जो बच्चे ग्रामर में ठीक हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बुक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, रेनन मार्टिन को आप पकड़िए और उस बुक को पढ़िए. उसमें बहुत सारे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत अच्छे आपको कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, क्लैरिफाइंग का जो तरीका है उनका वो बहुत अच्छा है. तो आप रेनन मार्टिन को फॉलो कर सकते हैं ग्रामर के लिए. देन आपका आता है वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ये सब इंक्लूड हो जाएगा. तो वोकैबुलरी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक तो पहला आप रूट वर्ड्स को पकड़ना स्टार्ट करिए. जैसे रूट वर्ड्स पे अपैथी, सिंपथी, एम्पथी, तो ये जो PATHY का जो रूट वर्ड है इसका मीनिंग पकड़िए और उससे आप सारे मीनिंग्स निकाल सकते हो. वोकैबुलरी में आपको एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि आप पहले कोई भी वर्ड आता है उस वर्ड का आप सेंस देखिए कि वो सेंस क्या है, उसका नेचर देखिए, पॉजिटिव नेचर है या नेगेटिव नेचर है, उसका कंटेक्स्ट देखिए कि वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहा है. इन्हीं चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका वर्ड आंसर के पास पहुंच जाएगा. रूट वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, हो जाएगा. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली के आप 10 वर्ड्स अपने न्यूज़पेपर पढ़ के निकालिए. उन 10 वर्ड्स को जब आप पढ़ेंगे उनके मीनिंग्स लिखिए, उनको सेंटेंस में आप देखिए किस तरह से यूज़ हुआ है वो. उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट डे आप 10 वर्ड्स कर रहे हैं तो उसमें आपको हो सकता है कि कोई ना कोई वर्ड ऐसा निकल आए जो सेम मीनिंग रखता हो, तो उस वर्ड को आप फर्स्ट डे वाले जिस वर्ड से वो सेम मीनिंग अटैच कर रहा है उसके साथ आप जाके स्लैश करके लिख सकते हैं. दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. बहुत पहले मैं ये किया करती थी, मेरी खुद की डिक्शनरी बनाई हुई है मैंने, जिसमें मैंने लिंक्स लिखे हुए हैं कि किस लिंक से मैं उसकी मीनिंग को रिकॉल कर सकती हूँ. देन इसी तरह से एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के मेरे पास अच्छी डिक्शनरी रेडी हो गई जो मेरी खुद की सेल्फ मेड है. तो इस तरह से रूट वर्ड्स को ध्यान करिए, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को ध्यान रखिए, वर्ड का सेंस, कंटेक्स्ट एंड नेचर को ध्यान रखिए, तो वोकैबुलरी के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं. वोकैबुलरी भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आई. एक आई असेंडिंग के लिए आई है, असेंडिंग वर्ड है और आपको बताना है कि बेस्ट जो कोई और ऐसा ऑप्शन जो बेस्ट इसको
सूट करता है सिनोनिम में, जैसे राइजिंग, शूटिंग, फॉलिंग एंड एक्सपैंडिंग. तो असेंडिंग का ऑब्वियसली राइजिंग होगा, बहुत सिंपल सा वर्ड था. सेकंड आ जाता है एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का वो होता है जिसको हम ईवीएस में भी पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं बच्चों को, एंडेंजर्ड एनिमल्स, एक्सटिंक्ट एनिमल्स. एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज विच आर नो मोर सीन टुडे, तो विच आर नॉन एक्जिस्टेंट टुडे. तो दैट वॉज द ओनली आंसर विद दिस. फीबल आ जाता है, स्कैटर्ड, एग्रेसिव एंड नॉन एक्जिस्टेंट. ऑप्शन वॉज नॉन एक्जिस्टेंट. देन आपका आ जाता है ऑपोजिट्स में. ऑपोजिट्स में वर्ड आया आपका कॉम्प्रिहेंसिव आया, बून आया, बून एंड बेन. ये कुछ बहुत ऐसे ईजी वर्ड्स हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं. तो ये 15 मार्क्स आप बहुत ईजिली गेन कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी अलर्ट रहिए, रीडिंग करिए. रीडिंग करेंगे तो आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होगी. लोग सोचते हैं कि रीडिंग कितना क्या करें. आई वुड सजेस्ट कि आप न्यूज़पेपर रीड करो. न्यूज़पेपर रीड करने से आपका ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान जाएगा. ग्रामर पे ध्यान दीजिए जब आप रीड करें, तो उस टाइम पे मीनिंग पे मत फिक्स करिए अपना जो फोकस है. आप फोकस करिए अपने ग्रामर के ऊपर कि आप ग्रामर जब आप पढ़ रहे हैं, आप उसमें ग्रामर देख रहे हैं कि किस तरह से क्या चीज़ कब कहाँ यूज़ हुई है, तो आपकी काफ़ी ग्रामर वहीं पर क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट आ जाता है आपका स्पेलिंग्स के लिए. स्पेलिंग्स मैंने आपको बताया, ये बहुत ईजी वर्ड्स आए. मैथमेटिक्स आया, लेफ्टिनेंट आया. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको टफ लगते हैं, आप डेली बेसिस पे उनको थोड़ा प्रिपेयर करिए, देखिए मीनिंग. अगर स्पेलिंग्स आप सिर्फ देख भी लेते हैं तो आपको याद आ जाती हैं. ज़्यादा किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो 2-3 बार लिख के देख लीजिए, तो भी हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आ जाते हैं. ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स के लिए मैं आपको यही कहूँगी, 2-4 बुक्स उठाइए, एक उसकी रीडिंग कर लीजिए. क्योंकि बहुत सारे ईडियम्स एंड प्रोवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग उन्हीं में कहीं ना कहीं छुपी होती है. बाकी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल तक के ईडियम्स आएंगे. ऐसा नहीं कि बहुत हाई आ जाए, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड के आ जाए. मिनिमम लेवल का आएगा, मिडिल लेवल का आएगा, आप उसको कर सकते हो, किसी भी बुक से कर सकते हैं आप. नेक्स्ट हम चलते हैं हिंदी के सेक्शन पे, जो कि 15 मार्क्स का आएगा. 15 मार्क्स में यहाँ पे भी आपको कोशिश करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें. हिंदी में पहला वही व्याकरण आएगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो हिंदी में व्याकरण भी आएगा. व्याकरण में आपको मैं सबसे ज़्यादा फोकस करने का कहूँगी कि आप एक तो वर्णों के ऊपर करिए, वर्णों के ऊपर, संधि के ऊपर. अगर आपके वर्ण क्लियर हैं, कितने वर्ण होते हैं, संस्कृत में कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त कौन से होते हैं, द्वित्व कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिए. पंचम अक्षर जो होते हैं हमारे कवक, चवक, पवक, टवक, टवक में, उसमें पंचम अक्षर जो होते हैं वो किसको मिलकर बनाए जाते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिए. वर्णों को आपको डीप में स्टडी करना पड़ेगा, साथ में आपको संधि करनी पड़ेगी. अगर आपके वर्ण हो जाएंगे तो आपकी संधि भी बहुत ईजी हो जाएगी. आई वुड सजेस्ट, लोग क्या करते हैं पहले संधि पढ़ लेते हैं. नहीं, पहले आपको वर्ण पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वर्ण अगर आप नहीं करोगे तो आपकी संधि क्लियर कभी नहीं होगी. इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करिए. अगर आपके ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो मैं कहूँगी आपका 50% हिंदी हो गया. नेक्स्ट आपके आ जाते हैं मुहावरे आ जाएंगे. मुहावरे बहुत सिंपल आएंगे, जैसे लास्ट टाइम आया अकल चकराना. इसका जवाब कोई भी बता सकता है कि कुछ समझ में नहीं आना. नेक्स्ट आ जाता है अशुद्ध और शुद्ध. आपको 4 सेंटेंसेस दे देंगे, उनमें से आपको पूछा जाएगा कि कौन सा सबसे सही तरीके से फ्रेम किया गया है, या कौन सा सबसे सही है. उस सही में आपको क्या क्या देखनी होंगी चीज़ें, आपको वचन भी देखना होगा, आपको लिंग भी देखना होगा, आपको काल भी देखना होगा, आपको हर चीज़ देखनी होगी, और जो भी सबसे बेस्ट आपको लगता है वो आपको करना है. अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जो हिंदी नहीं बोलते हैं लोग, जिनको हिंदी नहीं आती है या उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो कहीं भी वो कुछ भी बोल देते हैं ताकि उसका बस मीनिंग कन्वे हो जाए, बट हिंदी क्लियर नहीं होती है. जैसे एक आया, भारत की सेना विजित हुई, राकेश अच्छा लड़का है, कुंदन सुंदर लगती है, विभा मुझसे प्यार करती है. तो इसमें सबसे जो सही शुद्ध था वो था भारत की सेना विजित हुई. ये क्वेश्चन मैंने इसी पेपर में से आपको बताया है. तो शुद्ध और अशुद्ध में आपको बेसिकली आपको यही चेक करना है कि कोई भी लिंग, वचन या काल इधर उधर ना जा रहा हो. या कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे अगर आपको विदुषी भी लगा दिया और बहुत ज़्यादा होशियार भी बोल दिया एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में, तो विदुषी उसके लिए बहुत है, होशियार लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो वही की वही वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा. नेक्स्ट आपको पर्यायवाची देखना है. पर्यायवाची इस बार आया था यमुना का आया था. यमुना के लिए आपको बोला गया था कि 4 दिए हुए हैं, उसमें से एक विकल्प गलत है, एक ऑप्शन गलत था, तो उस ऑप्शन को आपको बताना था कौन सा गलत है. अब यमुना ऐसा वर्ड है जो हम कई टाइम से, अगर हम प्रायवाची पढ़ते हैं तो वो हर क्लास में, 6th क्लास हो, स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड हो, 8th स्टैंडर्ड हो, हर स्टैंडर्ड में ये इस तरह के वर्ड्स आते हैं. अश्व आ गया आपका, घोड़ा आ गया, बादल आ गया, हाथी आ गया, अग्नि आ गया, घी आ गया. तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके प्रायवाची में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं. इन्हीं में से आएगा, कोई ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं आना पेपर, बहुत ईजी आप कूल होकर प्रिपरेशन करेंगे तो आएगा. नेक्स्ट आपका आ जाता है विलोम आ जाएगा. विलोम इस बार आया था हर्ष. अब हर्ष का मीनिंग किसको नहीं पता, हर्ष हर कोई इसी को पता है कि हर्ष मतलब खुशी, तो इसका ऑपोजिट आप इजीली चुन सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आ गया आपका. नेक्स्ट जैसे आया था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर न लाया जा सके, इसका मीनिंग अगर इसके लिए अगर आप अनेक शब्द के लिए एक शब्द आएंगे तो ये आ जाएगा स्थानीय. नेक्स्ट आ जाता है आपका उपसर्ग प्रत्यय. ये भी बहुत आसान होता है, इसके लिए हिंदी भी 15 मार्क्स की आएगी, बहुत आसान आएगी. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि सरस्वती पब्लिकेशंस की बुक आती है 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड की,
आप अगर आपका बिल्कुल हिंदी थोड़ा सा बेस अभी बनाना है तो आप 6th स्टैंडर्ड स्टार्ट करिए, 6th 7th एंड 8th की अगर आप बुक उठा के उसको पढ़ लेंगे, आधा क्या होता है अगर आपने 6th की पढ़ ली तो 7th वाली बुक में आधी से ज़्यादा चीज़ें रिपीटेड होती हैं, बट कुछ कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बेसिक के लिए आप 6th स्टैंडर्ड की सरस्वती पब्लिकेशन की बुक उठाइए और उससे आपकी हिंदी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका आता है 40 मार्क्स का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बताऊंगी, सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है कि करंट अफेयर्स हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ें। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट जब आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से 6 to 8 मंथ्स पहले के करंट अफेयर्स आप अपने रेडी कर सकते हैं। अब करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा आपके पास चैलेंज आएगा कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। कुछ लोग सोचते हैं कि हम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, बट न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा, आपका डेली का 2-3 आवर्स न्यूज़पेपर रीडिंग में जाएगा और रेलेवेंट और इररेलेवेंट में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सी न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है, तो टाइम कंज्यूम बहुत हो जाता है। तो न्यूज़पेपर मत पढ़िए, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो यही बोलूँगी, न्यूज़पेपर मत पढ़िए करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले तो मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ कि क्या क्या आएगा, क्योंकि आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए कि इंपॉर्टेंट कौन सा है और नॉन इंपॉर्टेंट कौन सा है। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा, कोई भी ऐसी न्यूज़ जो इंडिया से रिलेटेड है इंटरनेशनल लेवल पर। अगर इंडिया की कोई रैंक आती है या इंडिया किसी इंटरनेशनल इवेंट में कुछ जीत कर आता है या किसी इंडियन को कोई मिस्टर या किसी, जैसे लास्ट ईयर रोहित खंडेलवाल को मिस्टर वर्ल्ड का खिताब मिला था, तो इंडियन थे पर मिस्टर वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पे उनको अवार्ड मिला, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी इंडियन या हमारी इंडिया कंट्री एज अ होल को अगर कोई अवार्ड वगैरह मिलता है या इंडिया की कोई रैंकिंग आती है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसको सबसे पहले आप मार्क करिए और उसको अपने माइंड में बिठा लीजिए कि यहाँ पे इसकी ये रैंकिंग है और हमारी ये, हमने ये अवार्ड्स जीते हैं, लेकर आए हैं, या हमारे इंडियंस ये अवार्ड्स लेकर आए हैं। थर्ड आपका आ जाता है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ एन ईयर। अब हम जानते हैं कि हर साल हमारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, कारगिल दिवस आ जाता है 26 जुलाई को, जनवरी, फरवरी, इतने सारे डेज होते हैं पूरे 12 महीने में, कई सारे डेज होते हैं, तो वो डेज मनाए जाते हैं। 19 अगस्त को जैसे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आ जाता है, लेबर डे होता है 1st ऑफ मे को, वर्ल्ड टोबैको डे, वर्ल्ड ट्रैवल डे, इतने सारे डेज होते हैं। तो आप जो पूरे साल के जो डेज होते हैं उनको एक पेपर पर एक साइड पर लिख लीजिए, डेट वाइज आप उनको याद कर लीजिए। आई गारंटी या मैं आपको इतना दिलासा तो दे सकती हूँ कि आप 3 या 4 बार उसकी रीडिंग करेंगे तो आपको आधे से ज़्यादा लर्न हो जाएंगे। उनको पहले आप स्टार्ट ऐसे नहीं करना कि एक साथ ही सारा पढ़ रहे हो, मंथली करना। अगर एक मंथ में 10 या 7 या 8 या 10 दिन आ रहे हैं तो उनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको उस मंथ के थोड़े थोड़े माइंड में बैठ जाएंगे कि 15 जनवरी को ये आता है, 26 जनवरी को ये आता है, 30 जनवरी को मार्टियर्स डे होता है, इस तरह से। जब आपका जनवरी पूरा हो जाए तब आप फरवरी के लिए चले जाएं, फरवरी हो जाता है मार्च के लिए जाएं, मार्च हो जाता है, धीरे धीरे इस तरह से करके आप दिसंबर तक लर्न करिए। जब आप मंथली मंथली करोगे बाद में आप देखोगे आपको आधे से ज़्यादा लर्न हो चुके होंगे। एक या दो होंगे जो आपको शायद याद ना हो, उनको आप किसी न किसी लिंक से जोड़ सकते हैं, आई एम श्योर आपको वो याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में आपका आ जाता है जैसे ओलंपिक्स हो गया या ग्रैंड स्लैम्स हो गए या कोई भी इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट इवेंट हो रहा है, उसमें इंडिया, पहली बात तो भाई अगेन जब मैं इंडिया की बात करती हूँ, इंडिया की क्या रैंकिंग रही, इंडिया में कोई मेडल लेके आया तो कौन सा मेडल लेके आया, कौन से इवेंट में लेके आया। अगर इंडिया का कहीं नहीं भी आता है तब आपका ओलंपिक्स में ये रह जाता है या किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में इंटरनेशनली ये रह जाता है कि उस इवेंट में कौन जीता, कौन सी कंट्री जीती या किसने सबसे ज़्यादा मेडल्स लिए। इंडिया आता है तो वेरी गुड, आप फिर हम ये एक्चुअली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर इंडिया कहीं भी स्टैंड नहीं करती है तो उसमें जो विनर रहा है या सेकंड विनर रहा है या जो विनर है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, उस कंट्री का प्रेसिडेंट कौन हो गया या उस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन हो गया, उन चीज़ों का फोकस करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड अगर इंडियन बनता है तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे भी कोई इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन रहा है तो वहाँ पे वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसकी एग्जाम में आने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स वगैरह, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेडल सबसे ज़्यादा किसके आए, किस स्पोर्ट इवेंट में, वो करना है। देन आपका हो जाए, रिसेंटली हुआ था मिनिस्टर्स का पैनल चेंज हुआ था तो कौन सी कहाँ का कौन सा मिनिस्टर बना है, आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। मिनिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, इनके कोई मर्जर या एक्विजिशन है, इनके ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं और बिल्कुल आते भी हैं। देन इंडिया में अगर कोई न्यू पॉलिसी आपकी इंप्लीमेंट हुई है या गवर्नमेंट ने कोई न्यू पॉलिसी बनाई है तो कौन से स्टेट ने, 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरेटरीज हैं हमारे यहाँ, तो कौन से स्टेट ने या कौन सी यूटी ने उसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया है, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। उस स्टेट का आपको CM और गवर्नर याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आपको बात करते हैं, हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो कई कंट्रीज़ में जाते रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट 8 मंथ्स में वो जिन जिन कंट्रीज़ में गए हैं
उन कंट्रीज में वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की करेंसी या वहाँ की कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको कुछ गिफ्ट किया है, या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को कुछ गिफ्ट किया है, उसका नेम, वो सब चीज़ें आपको थोड़ी सी उस पर डीपली थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. बट आई सजेस्ट कि इतना ज़्यादा डीपली भी ना जाएं, बस ऊपर ऊपर का देखें कि उनके बीच में क्या बात हुई. कोई आपको ये भी देखा होगा कि ट्रीटीज़ वगैरह साइन होती हैं, वो इतना आपको नहीं देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रीटीज़ का क्वेश्चन नहीं आएगा. एक ट्रीटी है वो कई कंट्रीज़ के साथ साइन हो जाती है, तो आप कहाँ तक उस कंट्री को ध्यान रखेंगे. तो जो MOAs हैं आपके, ट्रीटीज़ हैं, वो इतना ध्यान में नहीं रखना है. बट हाँ, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की करेंसी या वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, वो आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट, अगर आपका इंटरनेशनली या वर्ल्ड लेवल पर आपका कोई डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे हमारा पहले हुआ था नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो आपको अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक के लिए आपको उसका आई पता होना चाहिए, फोकस पता होना चाहिए, किस रेंज का आया था, कौन सी जगह पे आया था. फिर नेपाल की अगर बात आ जाती है, तो नेपाल का प्रेसिडेंट या नेपाल के जो भी मिनिस्टर हैं, जो भी हेड हैं, वो आपको पता होना चाहिए. इसके आगे मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप और ज़्यादा, जैसे IPL हो जाता है इंडिया में, IPL में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी टीम कौन से स्टेट से रिलेट करती है, या IPL हुआ है तो हु वॉज द विनर ऑफ दैट सीरीज़. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान में रखिए. ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना है, न्यूज़पेपर में हर तरह की न्यूज़ आएगी, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है इंडिया पे, या इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर डिज़ास्टर हो रहा है, या बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं, या कोई भी आपकी इंटरनेशनल हेड का इंडियन कोई हेड बन रहा है, या ओलंपिक्स में कौन जीता है, या ऑस्कर्स में कौन आया है, या आपको नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, ये चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. इन्हीं पर ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे. रही बात स्ट्रैटेजी की कि आप करंट अफेयर्स को कैसे करें, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करें, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में, आप किसको पकड़ें, कितनी सारी बुक्स होती हैं, आप क्या करें क्या नहीं करें. तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो मैंने किया था, आई विल टेल यू दैट, क्लाउड अफेयर्स के कैप्सूल्स आते हैं. पहले वो 30 pages अराउंड का आता था एक मंथ का, अभी वो 45 pages का आता है एक मंथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं. आप उनको अच्छे से वहाँ से नेट से डाउनलोड कर सकते हैं. क्लाउड अफेयर्स के कैप्सूल्स होते हैं, मंथली होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं, काफ़ी एलैबोरेटेड होते हैं. उनको आप अगर 4-5 बार पढ़ोगे, 4-5 बार नहीं तो 7-8 बार अगर रीड करोगे, आपको आधे से आधा याद हो जाएंगे. और सबसे बड़ी बात, KVS के एग्जाम में ना आपको याद नहीं करना है, आपको रिकॉग्नाइज़ करना है, आपको रिकॉलिंग करनी है, आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि आंसर क्या था. अगर आप उसका पूरा नेम भी याद नहीं रख सकते हैं, आपको हल्का सा उसका सरनेम भी याद हो जाता है, जो भी आंसर है या जो भी कोई मिनिस्टर बना है कुछ है, तो आप सरनेम से भी आंसर को टिक करके मार्क करके आ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि पूरा का पूरा ही नाम ध्यान रखें. आपको बेसिकली रिकॉग्नाइज़ करना है, आपको आंसर वहाँ जाके पहचानना है, आपको पूरा पूरा आंसर लिख कर नहीं आना है. तो पूरा आंसर इतना आप उस पर फोकस मत करिए, बट रिकॉग्निशन पे आप ज़्यादा फोकस करिए कि आप वहाँ देखो तो आपको आंसर याद हो जाए. तो अगर आप 7-8 बार रीडिंग करोगे 45 pages की, तो आई एम श्योर कि आपको इतना तो आ ही जाएगा कि आपको लग जाएगा कि हाँ, ये मैंने नाम पढ़ा है कहीं ना कहीं, या हाँ, ये आंसर हो सकता है. नेक्स्ट, आपकी अगर बात आती है, मैंने आपको बताया क्लाउड अफेयर्स के जो आपके कैप्सूल्स होते हैं 45 pages के होते हैं. अब जैसे मैंने बोला 6 से 8 महीने के आप प्रिपेयर करिए, तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं लगता है आपको, आप क्लाउड अफेयर्स के मत करिए. एक सेकेंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है, IBPS के कैप्सूल्स आते हैं, वो भी नेट पर ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं. आप उन कैप्सूल्स को पढ़िए, वो 20 से 25 pages के होते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से कवर्ड होता है. या आप द हिंदू के जो कैप्सूल्स होते हैं उनको आप फॉलो करिए, लिमिटेड होता है, अच्छा होता है, और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट मैटर होता है उनमें. अगर आप क्लाउड अफेयर्स पे नहीं कर सकते, आप उनको कर लीजिए. नेक्स्ट आ जाता है आपका, जब आप इन कैप्सूल्स को पढ़ लें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े से क्विजेस लीजिए ऑनलाइन. अगर आप क्विज लोगे, आपके आंसर सही आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो मोटिवेशन आएगा कि नहीं, मैं अच्छा कर रही हूँ या मैं अच्छा कर रहा हूँ, तब आपको और इंटरेस्ट बढ़ेगा कि मैं इसको और कर लूँ, तो आप और ज़्यादा पढ़ेंगे आप उसके बारे में. तो अगर आप क्विजेस नहीं लेते, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका लेवल कहाँ जा रहा है, आप सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. मोर ओवर, आप क्विजेस लेंगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह के आंसर्स या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आप क्विजेस जरूर लीजिए, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट, आई वुड सजेस्ट, जो मैंने एक्चुअली किया था स्ट्रैटेजी में, कि मैंने स्टडी आई क्योंकि जो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ होती हैं, उनको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया था. रिलीजियसली मैंने उनको ही फॉलो किया था, क्योंकि जब एग्ज़ाम मेरे सर पे आया, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था. मोर ओवर, आई वॉज सो मच इल कि आई वॉज फंबलिंग बिटवीन माई हाउस एंड द हॉस्पिटल. तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं एप्लीकेशन में जाके पढ़ूँ या मैं कैप्सूल्स को पढ़ूँ. बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था. तो व्हाट आई यूज़ टू डू, इसमें वीडियो भी रहता है, ऑडियो भी रहता है. तो वीडियो तो मैं नहीं देख पाती थी ट्रैवल के टाइम पे, बट येस, जब मैं ईयरफोन्स लगाती थी तो मैं उसकी ऑडियो सुनती जाती थी. अगर आप एक चीज़ को कई बार सुन लोगे, तो आपको आंसर्स वैसे ही याद हो जाएंगे. और जिस तरह से स्टडी आई, क्योंकि वीडियोस में एक्सप्लेन किया जाता है, पूरा A to Z एक्सप्लेन किया जाता है. ये नहीं कि क्वेश्चन बताया और आंसर बताया और ख़त्म कर दिया, उसके आगे पीछे की सारी स्टोरी बताई जाती है. जब आप वो स्टोरी भी सुनते हो, तो आपको आंसर डेफिनेटली याद हो ही जाता है. बहुत कम होता है कि आपको याद नहीं हो.
मैं क्या करती थी, एक बार उसको इंग्लिश में सुनती थी, एक बार मैं उसको हिंदी में सुनती थी कि कोई ना कोई पॉइंट मिस आउट ना हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ वो क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, उस क्वेश्चन के साथ में जो 10 चीज़ें वो बताते हैं साथ में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन उसमें से आ जाए। तो स्टडी आई क्योंकि जो वीडियोज़ थी उनसे मुझे बहुत हेल्प हुआ इस बार, अदरवाइज शायद मैं नहीं क्रैक कर पाती करंट अफेयर्स के वजह से। नेक्स्ट आ जाता है आपका एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में आपको मैं बहुत सारी एप्लीकेशंस आजकल अवेलेबल हैं, मैं आपको दो चार ही बताऊंगी। तो जीके टुडे हो जाती है, जीके टुडे पे अच्छी न्यूज़ आती हैं, आप बस उन्हीं को फॉलो करिए, एक पैराग्राफ होता है और हेडलाइन होती है, आप उतना पढ़ लीजिए बहुत है। नेक्स्ट आपका आता है ऑनलाइन तैयारी ऐप, अगर आप जीके टुडे पढ़ रहे हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द न्यूज़ वहाँ पे मिल जाएंगे ऑनलाइन तैयारी पे। नेक्स्ट आपका आता है जागरण जोश, बट जागरण जोश पे क्या होता है कि दिन भर की डेली की अभी 30-40 न्यूज़ आती है, जो बहुत मुश्किल हो जाता है डेली उनको पढ़ना। अगर आप आज फ्री नहीं हुए तो कल के लिए आपके पास 60 न्यूज़ हो जाएंगे, विच विल टेक योर 1 or 2 hours। तो अगर आप 2 घंटे करंट अफेयर्स में दे रहे हो तो आप बाकी सब्जेक्ट्स कब करोगे। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि जागरण जोश तो आप ना करिए, आप जीके टुडे फॉलो करिए और स्टडी आई क्योंकि जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ है उनको फॉलो करिए। वीकली वीडियोज़ जो वीकली हैं वो काफ़ी एलैबोरेटेड होती हैं, एक हफ्ते के अच्छा उसमें क्रक्स आ जाता है, 100 से 200 क्वेश्चन, 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं और उनके आसपास की जो चीज़ है वो उसमें समझाई जाती हैं, वो बहुत अच्छी रहती हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग न्यूज़पेपर के लिए मत जाइए, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत ज़्यादा नॉन रिलेवेंट चीज़ें भी आप पिकअप करने लगोगे जो शायद एग्जाम के पर्पज से वेस्टेड होंगी। नेक्स्ट आपका आ जाता है फोर्थ सेक्शन एक्चुअली, वो आपका आएगा मैथमेटिक्स बट रीजनिंग, जो आपके सिलेबस में दिया होता है वो रीजनिंग का होता है, बट रीजनिंग के साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी भी लिखा होता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में इस बार क्या हुआ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आई कि इन्होंने मैथ्स ज़्यादा इंक्लूड कर दी। मैथ्स इंक्लूड करती तो जैसा मैं मानती हूँ हर कोई इतना इक्विप नहीं होता कि वो मैथ्स को बहुत ईजिली कर सके। मेरे साथ तो प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि आई वॉज ऑन द एज कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, 10th स्टैंडर्ड से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था तो मुझे मैथ्स आती है। अभी भी मैं 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स पढ़ाती हूँ बच्चों को, आरडी से, तो 8 तक की मैथ्स मुझे आराम से आती है और पीआरटी के लेवल पे 8 से ऊपर की मैथ्स नहीं आएगी। इसमें आपका आ जाएगा मेंसुरेशन वगैरह आ जाता है, 8th स्टैंडर्ड से ज़्यादा नहीं आएगा आपको। ज़्यादा अगर बेसिक का है, अगर आपका बेसिक भी डेवलप नहीं है तो हमको सजेस्ट करूँगी कि क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 की आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए, उनसे आप अपना बेस डेवलप करिए। जब आप एक बार बेस पढ़ लेंगे और आप जैसे हम पोटेंशियल टीचर्स हैं तो अब ऐसा नहीं है कि हम स्कूल टाइम में हमें समझ नहीं आया तो अभी भी समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के माइंड में फोबिया होता है कि हम मैथ्स नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप बहुत रिलैक्स माइंड से अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स उठाएंगे आपको 100% वो समझ आएगा, क्योंकि बहुत इस लेवल पे आने के बाद वो मैथमेटिक्स हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाती है। जब आपका बेस डेवलप हो जाएगा तब क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 की आप धीरे धीरे एक एक करके एनसीईआरटी की बुक्स उठाइए, उसके आप बेसिकली जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, बेसिक चैप्टर्स होते हैं, आइडेंटिटीज़ वगैरह होती हैं या फॉर्मुलेज होते हैं उनको आप पिकअप करिए, ईजिली हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए हो जाएगा। मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो इस बार आए थे। टॉपिक्स में आया था एक परसेंटेज का आया था, परसेंटेज क्लास 7 या क्लास 8 से ज़्यादा का नहीं था लेवल। एलजेब्रा आई थी क्लास 6 की आई थी, डायरेक्शंस आई थी, डायरेक्शन अगेन वी कैन रिलेट टू रीजनिंग, डायरेक्शन टेस्ट की एक पर्सन नॉर्थ में इतना गया, वेस्ट में इतना गया, ईस्ट में इतना गया, तो अब अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये क्लास 8 का है। देन HCF एंड LCM आ जाएगा आपका। HCF एंड LCM में बहुत ईजी एक जैसे क्वेश्चन था कि दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स का HCF इतना है और LCM ये है और उनमें से एक नंबर ये वाला है, तो आपको क्या सीधी सीधी आपकी एक ट्रिक होती है कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स। अगर आप एक नंबर भी वहाँ लिख रहे हैं, इधर HCF एंड LCM लिख रहे हैं, आप ट्रांसपोज करके सेकंड नंबर फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, उस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको 4th one ढूंढना है, या फिर आपको एज के क्वेश्चन आ जाएंगे जो रेशो पे बेस्ड होंगे कि 10 साल पहले फादर एंड जो सन है उनकी ये रेशो थी एज की और 10 साल बाद इतनी होगी तो प्रेजेंट एज क्या है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस लगेंगे, अगर आपका बेस डेवलप हो जाता है, आप एक बार पढ़ना स्टार्ट करिए, आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आने लग जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका रीजनिंग से आ जाता है डिक्शनरी का क्वेश्चन। आपको 4 वर्ड दे दिए जाएंगे जो सेम लेटर या मे बी हो सकता है स्टार्टिंग के 4 या 5 लेटर सेम हो और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वर्ड डिक्शनरी में सबसे पहले अपीयर करेगा। तो डिक्शनरी हम सबको देखनी आती है, ये क्वेश्चन तो आई गेस इसको प्रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमें अल्फाबेट्स भी आते हैं इंग्लिश के, और डेफिनेटली वो सभी को आते हैं आजकल, अल्फाबेट आते हैं, डिक्शनरी का क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा, मैट्रिक्स में आपका बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट एंगल्स ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर, जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, उसके सारे एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री रहेगा। आपको 2 एंगल्स बता देंगे थर्ड निकालना है, या आपको 3 एंगल्स की रेशियो दे देंगे, आपको 3 एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आप एक बार रेशियो क्लास 6, 7 की मैथ्स कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने लग जाएंगे। नेक्स्ट आपका वेन डायग्राम आ जाएगा। वेन डायग्राम जैसे फर्नीचर, टेबल एंड चेयर, इसका कौन सा वेन डायग्राम रहेगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे वेन डायग्राम के,
और आपको बताना होगा कि उनमें से कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है टेबल फर्नीचर या चेयर के ऊपर. नेक्स्ट मैंने आपको बताया कैलेंडर के क्वेश्चंस आ जाएंगे कि मान लीजिए आज 17 अक्टूबर है या 18 अक्टूबर है और लास्ट ईयर 18 अक्टूबर को कौन सा डे था. तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप कैलेंडर बहुत ईजी रहेगा. कैलेंडर में बेसिकली क्या होता है, एक दिन पीछे चला जाता है. अगर आज वी कैन से अगर आज ट्यूसडे होता है 18 अक्टूबर को तो लास्ट ईयर इट वुड बी मंडे, प्रोवाइडेड कि ये वाला ईयर लीप ईयर ना हो. अगर ये लीप ईयर है तो उसमें 2 का डिफरेंस आ जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है आपका कोडिंग एंड डीकोडिंग. कोडिंग एंड डीकोडिंग बहुत सिंपल रहेगा. आपको दे दिया जाएगा कि गुड को आप 1, 2, 3, 4 करके लिखेंगे और बैड को आप मे बी 5, 6, 7 करके लिखेंगे. तो कोई भी ऐसा वर्ड जैसे आ गया आपका बेड आ गया, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे, उन्हीं में से आपको फाइंड आउट करना होता है कि जी के लिए क्या है, ओ के लिए क्या है, डी के लिए क्या है. वही वाले लेटर्स आपको बी के लिए, डी के लिए फाइंड आउट करके उसको उसी ऑर्डर में लिखेंगे, आपका वही ऑप्शन मैच हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है आपके क्वेश्चन रैंकिंग एंड सीक्वेंस के. रैंकिंग एंड सीक्वेंस अगर हम माइंड में, इसकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कोई फॉर्मुलेज में ना फंसें. आप एक रैंकिंग को खुद ही अपने माइंड में अगर आप सोचें कि अगर क्लास में 25 बच्चे हैं और 25 बच्चों में से मेरी रैंक अगर ऊपर से 12 है, 12th है, तो पीछे से क्या रैंक होगी. तो ऑब्वियसली इसको काउंट करने की भी जरूरत नहीं. अगर आप खुद ही माइंड लगाएंगे तो मेरे से ऊपर 11 बच्चे हैं, टोटल मेरे पीछे कितने हुए फिर 14 हुए, तो मेरे पीछे से क्या रैंक होगी. आप इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अगर सोचेंगे तो क्वेश्चंस निकल आएंगे. प्रैक्टिस की जरूरत है ऑब्वियसली. देन इस बार आ गया था मेंसुरेशन आई थी क्लास 8 की. टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब के क्वेश्चंस काफ़ी आए थे, तो लोगों ने काफ़ी ऑब्जेक्ट किया कि रीजनिंग में मैथ क्यों आई है. लेकिन ऐसा नहीं है, जब न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखी है तो आपको न्यूमेरिक्स के साथ भी थोड़ा तो एफिशिएंट होना ही पड़ेगा. मेंसुरेशन के लिए क्लास 8 की, क्लास 7 की आप बुक्स उठाइए, आपका आराम से मेंसुरेशन भी हो जाएगा. उसमें फॉर्मुलेज आपको पढ़ने होते हैं. मेंसुरेशन में फॉर्मुलेज ज़रूरी हैं क्योंकि विदाउट फॉर्मुलेज आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट आपके आ जाते हैं पैटर्न्स एंड सीरीज आ जाती है. सीरीज में आपको कुछ लेटर्स होंगे या कुछ नंबर्स के साथ होगा और आपसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट कौन सा आएगा. उसमें स्किपिंग होती है जनरली, आप वो देख सकते हैं. ऑड वन आउट आ सकता है. ऑड वन आउट में जैसे आ गया था इस बार 2 आया था, 28, 9 एंड 63, ये 4 ऑप्शन थे और ये बोला गया था कि इनमें से एक ऑड वन आउट है उसको आप आउट करिए. हालांकि इसमें कई सारे आंसर्स निकल आए थे तो ये क्वेश्चन बहुत डाइसी हो गया था, लेकिन इस तरह से आ सकता है. आप इसमें अगर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं या क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो कहीं ना कहीं वो रिलेट हो रहा है, इससे काफ़ी डाइसी क्वेश्चन था. नेक्स्ट आपके आ जाएंगी सीरीज आएंगी, नॉन वर्बल पैटर्न्स आएंगे. नॉन वर्बल पैटर्न्स मतलब आपको 3 फिगर्स दे दी जाएंगी और उन फिगर्स को आपको स्टडी करके बताना होगा कि 4th फिगर आपकी कौन सी आएगी. तो वो नॉन वर्बल रहेगा, उसमें कहीं आपको वर्ड्स को रिलेट नहीं करना. आपको डॉट्स देखनी है या आपको स्क्वायर देखना है, ट्राइंगल देखना है, अपसाइड डाउन देखना है, लेटरल देखना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल देख के आपको अपने अंदाजा लगाना है कि 4th आपकी कौन सी आ सकती है, क्योंकि उसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है. तो इसी के साथ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. क्लास 8 तक की ही मैथ्स आएगी. एनसीईआरटी की बुक्स अगर आप उठा के देखते हैं, आप पढ़ना शुरू करिए. बेस अगर वीक है थोड़ा तो बेसिक पहले बनाइए, फिर 6, 7, 8 पे जाइए. 3rd, 4th, 5th की क्लास से बन जाएगा आपका बेस. और अगर आपका बेस ठीक है, प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो डायरेक्टली आप क्लास 6, 7, 8 की बुक्स उठा के उनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए. प्रैक्टिस नहीं भी करें, कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको टफ लगेंगे, सिर्फ वही वही प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी ईजी क्वेश्चन आप कर ही लेंगे. नेक्स्ट आ जाता है आपका मैथ्स के बाद, रीजनिंग के बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी. टीचिंग मेथोडोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया, टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपको चाइल्ड पेडागॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट से थोड़ा सा अप्रोच हटके लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टीचिंग मेथड की बात करी है. तो मेथोडोलॉजी ऑब्वियसली आपको एप्लीकेटिव होना चाहिए. आपकी जो थिंकिंग एप्लीकेशन बेसिस पे यहाँ पे जज की जाएगी. आपकी टीचिंग कॉम्पिटेंस क्या है वो जज किया जाएगा. और साथ में हो सकता है कि कुछ कुछ आपसे थ्योरीज पूछी जाएं. इस बार थोड़ा आर्टिकल्स के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे कि कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है वुमेन एजुकेशन के या चाइल्ड एजुकेशन के, या आपका राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है. इस तरह के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं. जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देती हूँ कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग माइनॉरिटीज़ जो हैं वो अपने भाषा या धर्म के आधार पर अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, या वो अपने राइट्स या अपने जो बेसिकली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने माइनॉरिटी के लेवल पे या रिलीजन या लैंग्वेज के बेस पे. तो इससे आर्टिकल्स आपको ऑप्शन रहते हैं आर्टिकल 29, 15, 28 और 46. तो आप वो ये सब चीज़ें आपको गूगल पे नेट पे इजीली अवेलेबल हैं. आप एजुकेशन के निकालिए तो एजुकेशन के आपके आराम से आ जाएंगे. नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप NCF ज़रूर पढ़िए, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क. उसमें आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका एक तो ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए कि वो क्यों बनाया गया. उसमें बेसिक जो कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी वगैरह बनाई गई है, उनको ध्यान दीजिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी फाइल है, उसको पूरा पढ़ना पॉसिबल नहीं है. बट यस, एक ओवरव्यू लेना उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्यों बनाया गया, उसका पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या पॉलिसीज थी, कब बनाया गया, या कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के बारे में उसमें जो लिखा हो वो आप ध्यान दे सकते हैं. बाकी तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि CDP के लिए एक पॉइंट पर मैं ये कहूँगी
टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए कि जब ऑप्शंस आते हैं एप्लीकेटिव सिचुएशंस में, आपको एक एप्लीकेशन दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट सिचुएशन में इस सबसे बेस्ट आप मेथड क्या अपनाओगे, तो ऐसे में हमेशा ध्यान रखना कि आप ये मत सोचो कि मैं क्या करूँगी उस सिचुएशन में या मैं क्या करूँगा। आप अगर ये माइंड में रख के चलते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बच्चे का बेनिफिट हो या बच्चे का कोई नुकसान ना हो, वो वाला ऑप्शन 90% वही करेक्ट होगा। ये एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता सकती हूँ, मतलब इसको आप ज़रूर फॉलो करिए कि आप अपने आप को उसमें पुट ना करिए। आप या तो थ्योरी, अगर थ्योरी से रिलेटेड है तो थ्योरी को फॉलो करिए। यहाँ पे थोड़ा सा हमें अपना, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव व्यूज़ होते हैं, हो सकता है मैं उस सिचुएशन में कुछ और करूँ, आप उस सिचुएशन में कुछ और करें, तो वो सब्जेक्टिविटी हमें हटानी है। हमें बेसिकली क्या करना है, जिसमें बच्चे का सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो या बच्चे को कोई नुकसान ना हो, वही हमारा बेस्ट आंसर होगा एंड 90% वही सही होगा। इसके अलावा मैं यही कह सकती हूँ कि जब PRT का मैंने आपके साथ ये सारा डिस्कस किया है, TGT के लिए मैंने आपको बताया यही सेक्शंस रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, उसमें क्लास 8 तक नहीं आएगा, उसमें क्लास 10 या 12 तक भी आ सकता है। और PGT का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। PGT में आपके जो 5 सेक्शंस है, ईच सेक्शन विल बी ऑफ 20 मार्क्स। इंग्लिश 20 मार्क्स की आएगी, हिंदी 20 मार्क्स की, करंट अफेयर्स 20 मार्क्स के, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स की, एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी 20 मार्क्स की। ये टोटल आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। और जो रेस्ट ऑफ द 100 मार्क्स का पेपर है, PGT का 200 मार्क्स का पेपर है, तो वो जो 100 मार्क्स का वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप PGT इकोनॉमिक्स हैं तो वो 100 क्वेश्चंस के क्वेश्चन जो 100 है पूरे, वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड होंगे। अगर आप PGT इंग्लिश हैं तो वो पूरे 100 क्वेश्चन इंग्लिश रिलेटेड होंगे, तो वो आपके सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। वहाँ पे आपको अपनी तरफ से पढ़ाई करनी है, लेकिन जो ये मेन 5 सेक्शंस हैं, ये सेक्शंस के लिए ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे, आई एम वेरी मच श्योर कि 3-4 मंथ्स की पढ़ाई में भी आप KVS का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। मेरे 150 में से 122 मार्क्स थे एंड इट वॉज अ वेरी केक वॉक फॉर मी। मेरे लिए बहुत ईजी रहा, ईजी मे बी इसलिए रहा क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ बहुत टाइम से, लेकिन जो टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, टच में नहीं है स्टडीज़ के लिए, जो मैंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं उनको फॉलो करेंगे, आपका एग्जाम भी क्लियर डेफिनेटली होगा। और इसके साथ आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक एंड आई होप जो अभी KVS की नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसीज निकली हैं वो आप क्लियर करें और आपका सिलेक्शन हुई है।